नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गर्दा उड़ा करके भैया वीडियो का आप लोग शेयर कीजिएगा, और आपका जो राय है भैया वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। राजा की आएगी बारात, खेसारी लाल यादव जी का एक फिल्म आज भैया रिलीज किया गया है, आप लोग जाके देखिए और भरपूर प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए खेसारी लाल यादव जी को कि फिल्म भी भैया ट्रेंडिंग में ट्रेंड करने लगे। खेसारी लाल यादव जी का फरिश्ता जो ट्रेलर रिलीज किया गया वो ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है, तो गर्व हो रहा है भैया हम लोग को। बहुत सारा खेसारी लाल यादव जी का होली गीत आया, सब भैया ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है। सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग सेक्शन है उसमें भोजपुरी गाना ट्रेंड कर रहा है, तो भोजपुरी भैया हम लोग का बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन दो चार गो लुच्चा लोग भोजपुरी को भैया मतलब नर्क में डालने में लगा है, भोजपुरी का गत गिराना चाहता है, भोजपुरी को असली असली बोल करके दूसरे के दिमाग में भैया ये भर दिया वो लोग कि भोजपुरी बहुत बड़ा अश्लील है। अरे कहीं को रूम में सब पाइक होकर के अपने माँ बहन करेगा, अपने अश्लील अश्लील गाना गाएगा। अब वीडियो वायरल हो गया भैया, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जो भोजपुरी का क्या बोलता है, बीड़ा उठाया था भोजपुरी में, अश्लीलता खत्म करेंगे, उन लोगों को खुद रूम में घुस लिया है और अश्लील अश्लील गाना गा रहा है। खैर सब बात तनिक साइड में रख दीजिए, आपको बता दें भोजपुरी के पवन सिंह जो हैं उनको भैया अपने लोग ही ले डूबेंगे। जी हाँ, पवन सिंह के साथ जो रहते हैं वही लोग पवन सिंह के साथ गद्दारी कर रहे हैं भैया। इस वीडियो को गड़बड़ा करके शेयर कीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है भैया। अभी कुछ दिनों पहले पवन सिंह जी और पवन सिंह के जो भाई हैं उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, ना जाने उस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या क्या उनके भाई ने पवन सिंह को बोला नहीं बोला, ये बात पूरा जनता को पता चल गया। कैसे तो कॉल रिकॉर्डिंग भैया वायरल हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने वाला और कोई नहीं है, पवन सिंह के ही अपने लोग हैं। अब पवन सिंह के भाई ने बात किया, पवन सिंह जी ने बात किया, ये दोनों के पास कॉल रिकॉर्डिंग होगा, तीसरे के पास भैया ये कॉल रिकॉर्डिंग पहुंचा कैसे, या तो पवन सिंह के भाई ने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया। अभी ये बतवा खत्म हुआ ही था भैया कि पवन सिंह जो है उनका उनके नाम से कॉल रिकॉर्डिंग वायरल, डिम्पल सिंह, जी हाँ डिम्पल सिंह बोल रही है कि अभी नशे में है, अभी तक नशा उतरा नहीं है, जाग रहे हैं तो फिर पी ले रहे हैं, इस टाइप से भैया कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। जी हाँ, अब पवन सिंह के लोग बात कर रहे हैं और वही कॉल रिकॉर्डिंग भैया वायरल हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह के साथ कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है। जी हाँ, अब डिम्पल सिंह थे तो और कोई थे, वो लोग दोनों बात कर रहे थे पवन सिंह के बारे में कि नशा उतरा नहीं है, ये वो पूरा, मैंने पवन सिंह का बुरा है, वो कॉल रिकॉर्डिंग भैया वायरल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं इसमें किनका दोष है बताइए। बहुत सारे लोगों ने वो कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास भेजा कि भैया तनी चढ़ा दीजिए, भैया हम क्यों चढ़ाए महाराज, पवन सिंह का जो कॉल रिकॉर्डिंग हुआ था वायरल भाई वालों भी नहीं चढ़ाए थे, लेकिन हाँ इस पर प्रतिक्रिया देना भैया जरूरी है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, खेसारी लाल के कॉल रिकॉर्डिंग वायरल, पवन सिंह का तो ये रहा भैया, अब अपने लोग भैया लोग गद्दारी कर रहा है, तो पवन सिंह जी सावधान रहे, आपके साथ भैया गद्दारी हो रहा है, एकरोज बड़ा बड़ा गद्दारी हो जाएगा क्या। खैर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भैया, वो पवन सिंह जी का मैटर, लेकिन ये मुझे लगा कि पवन सिंह का भैया मैंने पर्सनल वाला कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जा रहा है, क्या हो रहा है, मजाक के ना हो रहा है एक तरह से भोजपुरी के साथ या पवन सिंह जी के साथ। आपका भैया राय क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा, बाकी फिर मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।